नमस्कार दोस्तों, पोस्ट ऑफिस GDS वैकेंसी के लिए आप लोग का जो रिजल्ट है वहाँ पे जारी हो चुका है। फर्स्ट जो आप लोग का मेरिट लिस्ट है उसको वहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोग का जारी किया गया दोस्तों, इसमें जो आप लोग का सिलेक्शन हुआ है उसमें जो नंबर गया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोग वहाँ पे हाई गया हुआ है। लगभग जो है 100%, 99%, 98% इस तरीके से आप लोग का जो कट ऑफ है वहाँ पे गया हुआ है। हालांकि मैंने आप लोग को जो वीडियो बनाकर जानकारी भी दिया था कि इस बार जो कट ऑफ है वहाँ पे नीचे जाने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कट ऑफ है वहाँ पे इतना ज़्यादा गया हुआ है। तो यहाँ पे समझिए दोस्तों, हुआ क्या है कि आप लोग का जो आवेदन है वो यहाँ पे पहले हो चुका था और उसके बाद जो है अपडेट यहाँ पे आया हुआ था कि जो भी यहाँ पे फर्जी लोग आवेदन करते हैं, जो भी 100% 99% वाले यहाँ पे आवेदन करते हैं उनको यहाँ पे जो है पकड़ा जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आवेदन हो चुका है तो सिलेक्शन तो उसी प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन में जो भी फर्जी लोग भी यहाँ पे आवेदन किए हैं उनका भी नाम यहाँ पे आ चुका है और इस कारण से उनका यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें नाम आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे समझिए दोस्तों, होगा क्या कि आप लोग का जो सेकेंड लिस्ट जारी होगा उसमें आप लोग का लगभग सीट यहाँ पे खाली रह जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट में आप लोग का यहाँ पे जो नाम आया हुआ है उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो भी फर्जी लोग हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर जाते हैं तो यहाँ पे पकड़े जाएंगे, तो इस कारण से जो है वो लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो जो सेकेंड आप लोग यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट आएगा वो 100% जो है बहुत ही कम यहाँ पे जाने वाला है। तो सभी छात्रों को यहाँ पे तैयार रहना चाहिए क्योंकि आप लोगों का जो सेकेंड लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों का कट ऑफ 100% यहाँ पे नीचे आएगा। और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते रहते हैं कि इसमें कितना लिस्ट जारी होता है, तो वो भी मैं आप लोग यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का जो सेकेंड लिस्ट है वो लगभग जो है आप लोगों का 10 से 15 दिन में यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी आप लोगों का रिजल्ट आया हुआ है तो रिजल्ट आने के बाद होता क्या है कि सबसे पहले जो है एक नोटिस आता है और उसमें जानकारी दिया जाता है कि किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच में जो है आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो उस डेट के बीच में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों का जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों का जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाता है वो इसलिए जारी किया जाता है ताकि जितना भी सीट आप लोगों का फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में यहाँ पे खाली रह गया है, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हुआ और वो स्टूडेंट जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए वो यहाँ पे फर्जी पाए गए या फिर कुछ डॉक्यूमेंट में यहाँ पे गलती था, इस कारण से जो है उनका नाम यहाँ पे हटा दिया गया है, तो वो सीट आप लोग यहाँ पे खाली रह जाएगा। तो उस सीट पे जो है दोबारा आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा और जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे मेन जो सवाल होता है वो ये होता है कि इसमें कितना कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाता है। तो इसमें जो आप लोग का कट ऑफ लिस्ट जारी होता है दोस्तों वो 5 लिस्ट आप लोग यहाँ पे जारी किया जाता है, 1 से लेकर 5 लिस्ट आप लोग यहाँ पे जारी होता है। और जैसे जैसे आप लोग का ज्यादा लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाता है वैसे वैसे जो आप लोग का कट ऑफ है वहाँ पे नीचे जाता है। तो पांचवा जो आप लोग का लिस्ट जारी होगा उसमें 100% आप लोग का जो कट ऑफ है वो बहुत ही नीचे इस बार यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि जो फर्जी छात्र हैं वो जरूर जो है यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो इस बार जो है वो पकड़े जाएंगे और इस कारण से जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। और सेकंड में जो है बहुत सारा सीट यहाँ पे खाली रह जाएगा। फिर सेकंड में भी आप लोग का वही प्रक्रिया चलता है कि आप लोग का जो वेरिफिकेशन है वहाँ पे होता है, जिनका यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिनका डॉक्यूमेंट गलत होता है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, तो इस कारण से उनका यहाँ पे नाम हटा दिया जाता है। फिर थर्ड लिस्ट आप लोग यहाँ पे जारी होता है। इस तरीके से करके 5 जो आप लोग का कट ऑफ लिस्ट है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो जिनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया हुआ है वो जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए और जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो सभी छात्र यहाँ पे इंतजार कीजिए। सेकंड लिस्ट जो है 10 से 15 दिन के अंदर में जो है आप लोग यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो सेकंड लिस्ट को आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, अगर सेकंड में भी नहीं होता है तो 5 लिस्ट तक आप लोग यहाँ पे जारी होता है, आप लोग को इंतजार करना है 5 लिस्ट तक और हो सकता है कि किसी लिस्ट में आप लोग का जो नाम है वहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से पूरा आप लोग का जो लिस्ट है वहाँ पे जारी होता है और पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पे होता है, मैंने आप लोग वहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए लाइक किस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही सर किस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।